अभी गुजरात के किसी गांव में से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है। ट्रक वालों की चौड़ अपनी अलग है, इसने चार बार जो है इस पटरी में पहले गाड़ी मारी। मैं भी उदयपुर में बैठ के व्हील चेंज कर रहा हूं क्योंकि पंक्चर हो गया। बहुत तगड़ा भाई है भाई। सो एज़ यू नो गाइज, महाराष्ट्र के मानसून के बारे में तो जितनी भी बात करो उतनी ही बात कम है। खूबसूरती का लेवल बहुत अलग है महाराष्ट्र में मानसून जब आप देखेंगे। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको यही बताया कि महाराष्ट्र में मानसून के टाइम में यही तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तो यही जब मैं बॉम्बे से चला हूँ अपनी मंजिल की तरफ, तो भाई आज ऐसा हुआ कि हाईवे में बहुत भयंकर ट्रैफिक था और उस ट्रैफिक में अपन क्या करते, अब हमने ऐसा नेविगेट करके गूगल मैप से कुछ कुछ जुगाड़ रास्ते निकाले हैं। अब ये गुजरात के किसी गांव में से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है, बस चलते चले जा रहे हैं। भाई ना जाने कहां कहां से हम लोग निकल के जा रहे हैं, ये अंदर अंदर एकदम गांव में से देखो कीचड़ में गाड़ियां फंसी हुई हैं, बहुत सारे रास्ते तो मतलब ऐसे हैं कहीं ट्रक फंस गया कुछ हो गया। आज हमारी वाट लगने वाली है, पता चल रहा है। हम लोग जितनी स्पीड से सुबह से चल रहे थे अभी ऑलमोस्ट हम लोग 3 घंटा लेट हो चुके हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ वीके। डेट हो चुकी है 28 जुलाई दिन के बच चुके एक। मैं मुंबई से निकला हूँ अपनी मंजिल की ओर, जहाँ हम साल में 2-3 बार ट्रैवल करते ही करते हैं गाड़ी से, और मैं इस वक्त पहुंचा हूँ अपने कन्वेंशनल स्टॉप मैकडॉनल्ड्स फॉर ब्रेकफास्ट। तो भाई साहब भयंकर ट्रैफिक था रास्ते में जिसकी वजह से हमारी लग गई है, 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा। बड़ा अंदर से गांव-गांव से घूम कर आए और उसके बाद जो है हम पहुंचे हैं यहाँ पर। तो मेरे साथ जो पार्टनर आज ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी आप देखेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। इसके बाद मैं जाकर आपको सीधा मिलूंगा उदयपुर, एक ऐसी जगह पर जो आप एक बार देख चुके हैं, लेकिन हम आज फिर से जाएंगे और एक स्पेशल चाय पी कर आएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो रास्ते में एक जगह पर इन भाई साहब को लगा कि स्काई के कलर्स जो हैं बहुत ही सुंदर हैं, इसलिए रुक के जो है ये स्पेशली फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, और मुझे लगा कि बहुत ही सही एक्चुअली में कलर्स तो हैं और रास्ता क्योंकि काफ़ी सीनिक है तो आपको भी देखना ही चाहिए। चलो यार इसका फ्रेम नहीं बिगाड़ते, गाड़ी में बैठते हैं। तो भाई साहब ये देख रहे हैं आप, ये कहने को जो है ये नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता हुआ एक स्टेट हाईवे है। ट्रक वालों की चौड़ अपनी अलग है, इसने चार बार जो है इस पटरी में पहले गाड़ी मारी, उसके बाद मोड़ने की कोशिश कर रहा है और किसी को नहीं जाने दे रहा है। देखो आप ये, और हमारे जो है जो ये पायलट है ये खटाखट इसको डिपर मार रहे हैं। हाँ नहीं नहीं तुम पायलट हो ना भाई। अरे 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 यार देखो ये आदमी जो है, हे भगवान मेरे जितने भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज फटाफट इतने पैसे दो ताकि मैं इसको ना फोर्ड मस्टैंग गिफ्ट कर पाऊँ आदमी को। इसने भाई हमारी गाड़ी जो है ना इसने आज जो है रॉकेट बना दी है, मतलब बहुत ही दिल से बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें। अब एक लौती मेरे साथ साथी है जिसको लेके जाना है दिल्ली तक और जिसके साथ जाना है, तो मतलब जो है कुछ कह भी तो नहीं सकते, तो घर का मामला है। तो भाई हमारे पायलट ने जो है आज ऐसी फ्लाइट इन्होंने जो है टेक ऑफ कराई थी कि इतना मजा आया, बहुत सही राइड करते हुए, और हम बहुत ही फटाक से निकल के पहुंच गए हैं। गुजरात बॉर्डर क्रॉस कर लिया है एंड एज यू कैन सी राजस्थान बॉर्डर छुपा दिया इन्होंने पीछे, ये रहा, और ये हम राजस्थान में एंटर कर गए हैं। और हमारे पायलट जो है थम नहीं रहे हैं, इनकी स्पीड जो है 1500 कभी चलते हैं कभी 2000 चलते हैं। ये मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं जेट में ट्रैवल कर रहा हूँ इस वक्त, मतलब इट्स नॉट प्राइवेट जेट, ये मिग में मैं मिग 16 में ट्रैवल कर रहा हूँ। वो तो हर बार क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा होता था इसलिए मैं कभी दिखा नहीं पाया और कभी भी ऐसा दिन में आने का यहाँ मौका नहीं मिला। ये जो आप सामने देख रहे हैं इस जगह का नाम है छिंदवाड़ा महल, ये एकदम खंडहर पड़ा है लेकिन ये इतना सुंदर है पहाड़ के टॉप पे और बहुत ही कमाल, ये हाईवे पे बिल्कुल हाईवे के साथ है। हालांकि यहाँ ऊपर जाने का रास्ता भी है लेकिन कभी भी मेरे पास इतना टाइम नहीं मुझे लग पाया कि मैं यहाँ जा पाऊँ, बट आई एम श्योर एक दिन मैं ज़रूर आने वाला हूँ यहाँ। जिस दिन मैं दिल्ली मुंबई बाइक राइड करूँगा उस दिन मैं यहाँ ज़रूर रुकूँगा और इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। बाकी तो आपको पता ही है नज़ारे बहुत बेहतरीन हैं दिल्ली मुंबई के।
भाई मैं उदयपुर पहुंच गया हूं और हालात ऐसे हैं कि यहाँ भीड़ के मारे ना हालत हो गई है ख़राब। ये देखो शक्ल पे ही दिख रहा है हम कितना थक चुके हैं, भीड़ के मारे हो गई हालत ख़राब, ना गाड़ी की पार्किंग मिल रही थी और ना कुछ। तो भाई अंधेरा काफ़ी है, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, फुल मेले का माहौल है यहाँ पर और आवाज़ें आप सुन ही रहे हैं। अरे मतलब कोई सेंस है, तो एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं उदयपुर और इनको आप शायद पहचानते होंगे। हेलो मैडम, ये जो पीछे से आवाजें आ रही है क्यों आ रही है सब आवाजें? क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन है, आज उदयपुर में हरियाली अमावस्या का मेला है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चा एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा अनॉय भी कर रहे हैं, बट इट्स ओके। तो मुझे नहीं पता इसकी आवाज़ आई है नहीं, तो उसने बोला अभी हरियाली अमावस का मेला चल रहा है राइट, उसके चक्कर में हमें पता था नहीं और हम बहुत बढ़िया फंस गए हैं। भीड़ भाड़ आपने देखी कितनी कमाल है और फटाफट यहाँ से चाय पियेंगे और निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। कैसा महसूस कर रहे हैं विवेक जी? रात के 9 बजे जब मुझे इस वक्त जो है जयपुर के काफी नजदीक होना था, मैं भी उदयपुर में बैठते अपनी गाड़ी का व्हील चेंज कर रहा हूँ क्योंकि पंक्चर हो गया, तो कैसा ही लग रहा है आपको? तो मतलब आर यू टेकिंग दिस एज एन एडवेंचर और मतलब घंटा एडवेंचर? भाई ये कोई एडवेंचर नहीं होता भाई, गाड़ी का पंक्चर टायर बदलना हाँ एडवेंचर है। आओ भाई ट्राई करो फिर एडवेंचर, तुम भी थोड़ा सा एडवेंचर है, कोई एडवेंचर नहीं है, बहुत बुरा है। तो क्या आपको लग रहा है आपको उदयपुर में रुक जाना चाहिए और मेरी बात मान लेनी चाहिए थी आपको? घर जाना है, इससे मुझे सीख मिलती है, मुझे गाड़ी में वापस से पंप रखना पड़ेगा। वो जो भी दोस्त है जिसको मैंने पंप दिया था और मेरे पास कभी वापस नहीं आया, प्लीज़ सुन ले, आपकी वजह से आज ऐसा कैसा हो। वो जो भी दोस्त हैं इनके प्लीज़ अगली बार इनको पंप दें तो बोलें कि उदयपुर में रुक जाएं आप, मेरा पंप वापस कर देना भाई प्लीज़। तो भाई इन सब मेहनत मशक्कत में बच गए हैं पूरे 10:30, अभी मैं निकल रहा हूँ आगे अपनी मंजिल की तरफ, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत थके हुए ब्रेक के बाद यार। तो भाई हम लोग रुके डिनर के लिए, मेरा जो पार्टनर है उसको कुछ कहना है। भाई कैसा है भाई, कैसी है दाल? वेरी 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 नाइस। अरे नहीं वैसे ही बोला ना, ऐसा भी बोला था, बहुत तगड़ा है भाई ये। भाई भाई हमने खाई है येलो दाल और हम लोग खा रहे हैं इसको बहुत ही, हाँ ऐसा लग रहा है हम लोग खा रहे हैं इसको भाई 10-20 सालों बाद, क्योंकि बहुत वक्त बाद जो है ना नॉर्थ तक आ गए हैं और बहुत ही तगड़ा खाना खा रहे हैं, बहुत टाइम से महाराष्ट्र में मजे कर रहे थे, बट नाउ आज जो है बेसन के गट्टे की सब्जी और सब पेला जाएगा भाई, फुल पेला। और आप लोग तो जानते हैं खाने के मामले में कैसा हूँ, फुल पेल खाना भाई। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी स्पीड बरकरार रखते हुए हम लोग 11 बजे निकले थे ऑलमोस्ट उदयपुर से और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:30, हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी प्रेम नगरी जयपुर में और ये जयपुर क्रॉस करते हैं सीधा जा रहे हैं दिल्ली। आई होप आई थिंक हम अगले शायद 3-3.5 घंटे में दिल्ली भी होंगे, सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे पहुंचते हैं। फिलहाल नींद आने की हालत में हम लोग हैं, बट आई थिंक चले जाएंगे दिल्ली तक तो पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच के मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। पहले हमें जाना है गुड़गांव, गुड़गांव चल के मिलते हैं फिर। ओ मिस्टर वरदान सिंह, तो भैया फाइनली हम पहुंच गए हैं आपकी मंजिल पे, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे पूरे सफर के बारे में? इट वॉज नॉट इंग्लिश वाला सफर, इट वॉज हिंदी वाला सफर। वो चलो भैया हमारी जो कोशिशें थी सब सफल हो गई है, हम पहुंच गए घर, इनको छोड़ते हैं उसके बाद अपन मिलते हैं अपने घर चल के। गुड डे। तो भाई दिल्ली पहुंच चुका हूं फाइनली यार, बहुत ज्यादा इस बार तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई, जहां मैं 20 से 22 घंटे में पहुंच जाता हूं वहां ऐसा हुआ कि इतना ट्रैफिक था, इतना बुरा हाल पूरे रास्ते भर मिला, बारिश ट्रैफिक रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब, कि मुझे नाना करते कम से कम लग गए हैं 26 से 27 घंटे और अभी मैं घर नहीं पहुंचा हूं। सो घर जा रहे हैं और लेट्स सी कितनी देर में घर पहुंचते हैं, घर से कॉल्स आने शुरू हो गए हैं और फटाफट से घर पहुंचते हैं। और बाकी एक बात है यार, देखो अपना शहर होता है, ऐसी बात नहीं है, बम्बई भी अपना ही शहर है, लेकिन जैसे जिस माहौल से बम्बई को छोड़कर आए थे बारिश वारिश में और सोच रहे थे यार अफसोस हो रहा था गर्मी में जाएंगे, दिल्ली में एंटर करते साथ ही बारिश का मजा ले लिया है और मौसम बहुत ही सुहाना है। सुबह के अभी बज रहे हैं 9:15 और मौसम देख रहे हैं आप
कमाल मौसम है, बहुत ही कमाल। तो भाई एक चीज में किस्मत बहुत ही बढ़िया है कि दिल्ली में आते साथ ही अभी रिसेंटली एक टनल खुली है दिल्ली में, जो कि प्रगति मैदान से सीधा आपको ले जाती है सराय काले खां, हमारे घर के नजदीक। और आते साथ ही इसमें आने का मौका मिल गया है। बाकी कितना सुंदरता तो लेवल देख ही लो, क्या सुंदर जगह है ये। और माई गॉड यार, मतलब सीरियसली यार, क्या बनाई है, क्या टनल बनाई है यार, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है यार ये। कुछ सालों से यहाँ काफी काम चल रहा था और हम लोग बहुत ही ज्यादा असमंजस में थे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आज जब मैं ये सब, ये टनल चालू हो चुकी है और मैं यहाँ पर आया हूँ, नाव मुझे दिख रहा है कि इतने साल से यहाँ पर किस चीज का काम चल रहा था, क्या चीज हो रही थी। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सच में यार, जितनी बार दिल्ली आता हूँ उतनी बार नई नई चीजें देखने को मिलती है। तो बहुत ही कमाल, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर। आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही अलग लेवल बना दिया भाई ये तो। मतलब सीधा ट्रैफिक कट करके मैं बहुत अच्छी खासी, बहुत अच्छा खासा मैं पूरा का पूरा कट करके, पूरा ट्रिप ना, मतलब पूरा का पूरा रास्ता कट करके डायरेक्ट मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूँ जहां पर शायद पहले जाने के लिए मुझे कम से कम इस ट्रैफिक में एक से एक डेढ़ घंटा लग जाता था, वहां मैं हार्डली 2 मिनट में पहुंच गया हूँ। तो भाई साहब, ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद इस बार मैं अपने घर लौटा हूँ। मैं नवंबर में, जस्ट आफ्टर दिवाली, एज यू नो मैं नेपाल के लिए निकला था, काम से निकला था, उसके बाद मैं घर नहीं आया। 8 महीने बाद मैं घर लौटा हूँ, वो भी सिर्फ इनकी वजह से। रोज़ फ़ोन कर करके जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती थी इसलिए। हाँ तो अब तुम्हारे लिए आया भैया, तो फटाफट जो है सबको बाय बाय बोल के बता दो एक बार, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, फटाफट से बता दो। चलो अच्छा जी, ये बोल दो, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको लाइक जरूर करें। ये मेरे बेटे का चैनल है, आप सब इसको प्यार पाए। और कितने घंटे में पहुंचा मम्मी इस बार? मैं सुबह 6 बजे निकला था कल। 26 घंटे। चलो जल्दी से मिलते हैं भाई लोग, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी एक नए व्लॉग पे।